मेरा नाम है गीत मिश्रा और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक दोस्तों, जिसका नाम है कैम, CAM, कैम प्लांट। दोस्तों कैम जो एक प्लांट होता है जिसका फुल फॉर्म होता है क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। ध्यान दीजिएगा, क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म कैम। अब दोस्तों हम बात आपको कुछ इंट्रोडक्शनली बता दें कि देखिए फोटोसिंथेसिस के टॉपिक में कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि C3 साइकिल, C4 साइकिल, C2 साइकिल, कैम। ठीक है, अगर आपको ये प्रोसेसेस कंप्लीट हैं तो आपको ये चारों साइकिल पता होने चाहिए, अगर आप तभी आप फोटोसिंथेसिस में कह सकते हैं कि यस आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ी हुई है। ठीक है, लाइट रिएक्शन को मैंने ड्रॉप किया क्योंकि अभी मैं साइकिल के बारे में पढ़ा रहा हूँ। उससे दोस्तों जो इन सब के चारों का जो एक मेन बन करके आता है, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, वो है दोस्तों हमारे लाइट रिएक्शंस, ठीक, या जड़ स्कीम से। जड़ स्कीम से दोस्तों वन वर्ड के क्वेश्चंस बहुत तेजी के साथ में आते हैं, यहाँ से भी आते हैं लेकिन उतने जो है अमाउंट में क्वेश्चंस नहीं आते, खासकर जड़ स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक हमारा चलता है। पहली बात दोस्तों, आजकल जो टॉपिक के जो क्वेश्चंस आते हैं वो या तो पाथवे से उठा करके दे सकता है या फिर एक नए टॉपिक के क्वेश्चंस जो है जनरली बहुत दिनों नेट में तो बहुत दिनों से पूछा, धीरे धीरे जो है हर तरीके के एग्जाम में सारी चीज़ें आती हैं, खासकर इनहिबिटर का रोल। इनहिबिटर मतलब कि जो सेल साइकिल को बीच में ब्रेक कर दे। आखिर ऐसी कौन कौन से इनहिबिटर हैं जिनके बारे में मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर के आपके लिए आऊँगा। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करने वाले दोस्तों कैम प्लांट के बारे में। कैम प्लांट के बारे में सबसे पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन बात बता दूं कि देखिए C4 प्लांट हमारे ट्रॉपिकल रीजन में तो होता है, लेकिन तकरीबन 40 से नीचे डिग्री टेम्परेचर हो तो मतलब ठीक है, वो ट्रॉपिकल का नेचर ठीक है, लेकिन जब 40 के ऊपर का जब एबव का नेचर होता है दोस्तों, तो प्लांट क्या करते हैं कि उनके अंदर जो वाटर का इवेपोरेशन है जैसे कि डिजर्ट में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा होने लगता है। रीज़न ये बन करके आता है कि जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन होता है तो ऐसे जो प्लांट होते हैं वो जनरली सक्यूलेंट होते हैं, मतलब सक्यूलेंट मींस फैट प्लांट कहलाते हैं, और ये फैट इसलिए हो जाते हैं या ये फूल इसलिए जाते हैं, अगर इनकी आप लीफ वगैरह देखो, चाहे नागपनी की हो गई चाहे कैक्टस की हो गई, तो लीफ को तो हम बोल देते हैं लेकिन इनके अंदर ग्रीनी कलर का पूरा एक कैसे कह सकते हैं, कैक्टस के अंदर जैसे आप देखेंगे तो बॉल जैसा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये जो अपीयरेंस आता है इसीलिए हम इनको एक फैट प्लांट का नाम देते हैं, क्योंकि ये वाटर को क्या करते हैं दोस्तों, लंबे समय तक कंज्यूम करके रखते हैं, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, जो कैम प्लांट है वो जनरली हमारा जीरोफिटिक इन नेचर होगा, आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए। ठीक, हर तरीके का प्लांट हर तरीके के एटमॉस्फेयर में सेम तरीके का खाना नहीं खा सकता जैसे आप नहीं खा सकते हो। ठीक है ना, अगर आप साउथ में हो तो आपको साउथ का मिलेगा, यहाँ का है तो आपको यहाँ का मिलेगा। खैर उसी तरीके से प्लांट की भी अलग अलग मॉर्फोलॉजी है, भगवान ने उनको ऐसा बना दिया है। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं दोस्तों इसको और देखते हैं कि आखिर कैम प्लांट में किस तरीके की साइकिल रन करती है। मैंने यहाँ पे C4 साइकिल की भी इमेज डाल रखी है और यहाँ पे मैंने कैम प्लांट की भी इमेज डाल रखी है। और दोस्तों जब आप खुद से इमेज बनाते हो ना, तो मतलब ना कोई कॉपी का इशू ना कोई किसी का इशू, मतलब एकदम झकास टाइप का इमेज आपका लगता है और बहुत ही ज़्यादा समझना बहुत आसान होता है क्योंकि आपने इसको खुद से बनाया हुआ है। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे कैम प्लांट के बारे में, तो कहते हैं कि कैम प्लांट क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म फोटोसिंथेटिक एडॉप्टर इन सक्यूलेंट प्लांट। सक्यूलेंट प्लांट्स आल्सो नोन एज फैट प्लांट। अगर आप इसमें देखेंगे और इसमें देखेंगे तो ये थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करूंगा क्योंकि यहाँ पे हल्का सा अनएकेडमी का लोगो आ गया है, तो मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा सा, वन सेकेंड। ओके हाँ ठीक, डन। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ कुछ चीज़ें तो आपको ध्यान देना है CO2 जो आपका ये क्या कहते हैं जो C4 साइकिल है इसमें और कैम प्लांट है उसमें किस तरीके से दोनों में थोड़े से बेसिक से डिफरेंस देखने को मिलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे भी देखिए दोस्तों फॉस्फोनॉल पाइरुवेट है, पेप है, यहाँ पे भी आपका पेप मौजूद है। ठीक है, यहाँ से जब दोस्तों पेप है और उसके बाद हमारा स्टोमेटा मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे देखिए हल्का सा छोटा सा दिख रहा होगा ये आया, तो जो फाइनली जो एंजाइम है वो भी सेम है और जो बन रहा है कंपाउंड C4 कंपाउंड का वो भी सेम है। तो ये दोस्तों क्या है, ऑक्सैलो एसिटिक
एसिड होता है। क्या है दोस्तों? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है। बाकी सारे कंपाउंड आपके सेम रहेंगे, थोड़े थोड़े मॉलिक्यूल जो है आपको थोड़े से नीचे से मॉलिक्यूल क्या, बस आपको थोड़ा पाथवे का तरीका थोड़ा सा हल्का सा अलग होगा। जैसे कि ये जो है ये जनरली मीजोफिल और बंडल सी सेल दोनों में होते हैं, लेकिन ये सेम प्लेस पे होते हैं। इनका मतलब कि बिल्कुल सेल वाला लोचा नहीं होता है, इनका लोचा है केवल साथ में कि मतलब यार डार्क में होना है कि लाइट में होना है, ये इनके साथ में एक बहुत बड़ा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आता है और जो इनके लिए अच्छा है दोस्तों, ठीक है। डार्क के समय और लाइट के समय, ये अभी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है डार्क के समय ये जनरली कार्बन डाइऑक्साइड को तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन अगर मैं कह दूं कि ये कार्बोहाइड्रेट कब बनाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट लाइट समय, लाइट समय जैसे कि आपका सुबह का समय देखते हैं आप, थोड़ा सा जो इस तरीके के प्लांट या यहाँ का जो नेचर होता है वो ठंडा होता है, ठीक है। आपके यहाँ पे भी भोर का जो समय होता है या जो सनलाइट की पहली स्टार्टिंग होती है सुबह का समय, पूरी रात कैसा पूरा दिन कैसा भी कितना भी बेकार सा गर्म सा हो, लेकिन एट अ टाइम ऑफ मॉर्निंग, ठीक है, उस समय जो हमारा टेम्परेचर है वो थोड़ा सा लो होता है, जिस समय ये कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो लाइट रिएक्शन से ये मत, लाइट स्टोमेटा क्लोज, इसका मतलब ये मत लगा लीजिएगा कि नहीं भैया इस समय टेम्परेचर जब गर्म रहता है तब रूबिस को एंजाइम, क्योंकि मुझे पता है कि ये कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट हो जाती है। आइए चलिए शुरू करते हैं वरना समय काफ़ी खत्म हो जाएगा। फोटोसिंथेटिक एडॉप्टर सक्यूलेंट प्लांट, सक्यूलेंट प्लांट इज आल्सो नोन एज फ्लैट फैट प्लांट्स आर जीरोफिटिक प्लांट एडॉप्टेड टू एरिड क्लाइमेट और सॉयल क्लाइमेट कंडीशंस, ठीक है। और ये सभी डिपेंड करते हैं कि वहाँ का सॉयल क्लाइम कंडीशन कैसा है, सैंड है, सॉयल है। सक्यूलेंट वाटर स्टोर वाटर इन देयर लीव्स एंड स्टेम, जैसा कि मैंने कहा कोई कोई है जैसे अपने लीव अपने स्टेम में कर लेते हैं, कैक्टस वगैरह कुछ हैं लीव्स में कर लेते हैं, ठीक है। तो जो आपको मैंने दिखा ओपनसिया, ठीक है, तो ये सभी इसके एग्जांपल्स हैं, आप इसको देख सकते हैं। सॉलेंट नोन फ्लेसी अपेयरेंस एंड देन अदर प्लांट आर कैरेक्टरिस्टिक नोन एज सक्यूलेंट, द बेस्ट नोन सक्यूलेंट प्लांट आर कैक्टाई, जो सबसे बेस्ट सक्यूलेंट प्लांट होता है वो हमारा कौन सा है, कैक्टाई। तो आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे बेस्ट नोन कैक्टाई को हम इसलिए एग्जाम्पल में देते हैं क्योंकि ये सब, तो यहाँ पे दीज प्लांट ओपन देयर स्टोमेटा ड्यूरिंग नाइट टाइम, क्लोजिंग स्टोमेटा ड्यूरिंग डे हेल्प सक्यूलेंट प्लांट टू कंजर्व वाटर, ठीक है, ताकि सनलाइट ना पड़े और इनका वाटर जो हो वो इवेपोरेट ना हो। ड्यूरिंग द नाइट व्हेन देयर स्टोमेटा आर ओपन दीज प्लांट लाइक अप कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे स्टोमेटा इनकी जो है ओपन होती है नाइट टाइम में, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करने लगते हैं। असिमिलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स इनटू मैलिक एसिड एट नाइट, ठीक है, इसको कन्वर्ट करके ये रख देते हैं एट नाइट के टाइम पे, मतलब फिक्सेशन इनकी हो गई भाई, ठीक है ना। पेप कार्बोक्सिलेज है जिसको जनरली हम लोग कहते हैं कि ये ट्रॉपिकल रीजन में भी एक्टिवेट होते हैं, तो पेप कार्बोक्सिलेज है, ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, ये दोनों आपस में मिल गए तो क्या बना लिया, पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ऑक्सैलोएस्टिक एसिड, जैसे कि हमारा जो सी फूड प्लांट बनाता था वही इन्होंने भी बना लिया, ठीक है ना। वही क्या किया दोस्तों, इन्होंने भी बना लिया। तो आगे यहाँ पे देखिए सेम रिएक्शन है, कोई नहीं, वही NADPH, वही NADPH यहाँ पे भी हुआ NADPH, तो बिल्कुल सेम कंपोजिशन है, कोई वो नहीं। यहाँ पे एक एंजाइम है जिसका नाम है NAD+ मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, इसको जो कि चेंज किया मैलेट और फिर मैलिक एसिड में आकर के वो स्टोर हो गया, मतलब कि जस्ट आप मानिए कि कार्बन डाइऑक्साइड को इन्होंने स्टोर किया, ठीक है ना। ये रिएक्शन ऐसे नहीं हो, कार्बन डाइऑक्साइड को इन्होंने मैलिक एसिड के रूप में स्टोर कर लिया एक तरीके से। उसके बाद जैसे ही टेम्परेचर जो होगा या दिन का समय आएगा, दोबारा ये क्या करेंगे कि अपने जो लाइट रिएक्शन है उसको करना शुरू कर देंगे। तो वही चीज़ है, देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एंटरिंग द लीव्स ड्यूरिंग नाइट एंड देन स्टोमेटा आर ओपन दिस प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड, असिमिलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर इनटू मैलिक एसिड एट नाइट विच इज स्टोर्ड इन द वैक्यूल्स, ठीक है। जनरली क्या है, एक वैक्यूल्स मैंने सेप दिया हुआ है, ठीक है, जिस इज स्टोर्ड इन द वैक्यूल्स के अंदर ये हमारे स्टोर्ड होते हैं। देखते हैं कार्बन अगर मैलिक एसिड एट नाइट टाइम विच इज स्टोर्ड इन द वैक्यूल्स, द मोड ऑफ कार्बन फिक्सेशन इज कॉल्ड क्रेचुलेशियंस एसिड मेटाबॉलिज्म। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर लेना, यही दोस्तों कहलाता है क्रेचुलेशियंस एसिड मेटाबॉलिज्म और कैम प्लांट। आफ्टर द प्लांट फैमिली क्रेचुलेशी, और ये जनरली हमारे क्रेचुलेशी जो प्लांट होते हैं क्रेचुलेशी फैमिली के, उसमें ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं। द सक्यूलेंट इन विच द वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द डे टाइम वेन द लाइट रिएक्शंस कैन सप्लाई ATP, जैसे ही दिन का समय होता है और लाइट रिएक्शन होनी स्टार्ट होती है ATP एंड NADPH फॉर द केल्विन साइकिल, तो यहाँ पे ATP आपकी जनरेट भाई लाइट रिएक्शन चलेगी चलेगी और ATP एंड NADPH फॉर केल्विन साइकिल CO2 इज रिलीज फ्रॉम मैलेट,
जैसे यहां पहुंचते हैं, अगेन मैलिक एसिड तो यहां पे आकर के स्टोर है, ठीक है, अगेन ये कन्वर्ट हो जाता है मैलेट में, और जैसे ये मैलेट में कन्वर्ट होता है, तो बता दूं कि मैंने पहले ही बताया है कि 3 कार्बन कंपाउंड होते हैं, और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड का जो होता है वो डीकार्बोक्सिलेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो वही कहते हैं दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने यहां पे देखा हुआ था मैलेट से, ठीक है, तो यहां पे भी यही होता था कि हमारा डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता था, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता था, रुबिस्को एक्टिवेट होता था। वही कह रहे हैं कि एटीपी एनएडीपीएच ऑफ द केल्विन साइकिल, CO2 इज रिलीज्ड फ्रॉम मैलेट एंड फिक्सेशन थ्रू केल्विन साइकिल, दिस साइकिल डिफर्स फ्रॉम C4 इन C4 प्लांट। रीजन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द मैलिक एसिड इन मेसोफिल सेल, यहां पे पहले होता था लेकिन अब जो है मैलिक एसिड इन मेसोफिल सेल्स इज specially separated from the Calvin cycle and bundle cell. In Calm plant, 2 step occur at separate time. और यहाँ पे ये सभी प्रोसीजर क्या है, सेपरेट टाइम में अकर होती है, और इस तरीके से दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और हमारे C3 साइकिल जो है वो जनरली यहाँ पे रन करती है और स्टार्च का फॉर्मेशन कर लेती है, और इसे जो आपको मैलेट होता है जैसे इसमें पायरुवेट में कन्वर्ट होता था, उसी तरह इसमें पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। आशा है दोस्तों आपको ये कैम प्लांट का जो मैकेनिज्म था ये समझ में आया होगा। बस आपको ध्यान कुछ चीज़ों की रखनी है, पहली बात ये 40 के अप होने हैं, मैं बता दूंगा अभी इसमें काफ़ी डिस्क्रिप्शन हैं आपकी, इनके जब मैं आपको बताऊंगा डिफरेंशिएशन तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाएंगे। एट नाइट कार्बन डाइऑक्साइड इज कैप्चर बाई पेप कार्बोक्सिलेज, जो कार्बन डाइऑक्साइड वो जनरली कैप्चर होती है पेप कार्बोक्सिलेज इन द साइटोसॉल ऑफ मेसोफिल सेल, ठीक, साइटोसॉल ऑफ मेसोफिल सेल एंड पेप इज कार्बोक्सिलेटेड टू ऑक्सलोएसिटेट, द ऑक्सलोएसिटेट इज रिड्यूस्ड टू मैलेट विच इज फाइनली स्टोर्ड इन वैक्यूल्स ड्यूरिंग द डे, द स्टोर्ड मैलेट इज ट्रांसपोर्टेड बैक इनटू साइटोप्लाज्म एंड वेयर डीकार्बोक्सिलेटेड बाय एडीपी मैलिक एंजाइम, इसके द्वारा ये डीकार्बोक्सिलेट होते हैं, ये स्टोर्ड फॉर्म में मैलिक एसिड कहलाते हैं, मैलेट होते ये मैलेट ही है। उसके बाद वेयर इज डीकार्बोक्सिलेटेड एंड एनएडीपी मैलिक एंजाइम, द कार्बन डाइऑक्साइड जस्ट रिलीज्ड एंटर द क्लोरोप्लास्ट वेयर इट इज फिक्स द केल्विन साइकिल। और इस तरीके से दोस्तों आपकी जो कैम प्लांट का मैकेनिज्म है वो आपको, मुझे आशा है कि जरूर समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही सिंपली तरीके से अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। और दोस्तों एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा कि जो मेरा वीडियो आने वाला है इनहिबिटर्स के बारे में, उसको देखना ना भूलें, वो छोटा वीडियो होगा, बहुत बड़ा वीडियो इन्हेंस नहीं करूंगा उसमें। और जो आने वाले हैं, अगर आपको लगता है कि आप एग्जामिनेशन के कुछ टर्म्स को पिकअप करना चाहते हो, एग्जामिनेशन कोई सिंपल टर्म्स को आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है, आपसे जब भी वो पूछेगा आपकी पूरी वॉट लगाने वाला है, ठीक है, तो मतलब इसके लिए तैयार रहिए कि आपके सामने किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे। तो जो डिफरेंशिएशन का जो चार्ट मैं आपके लिए, आप ही लोगों के लिए बना रहा हूँ, उसको बनाना कोई बहुत इतना ज़रूरी नहीं था, लेकिन वो दोस्तों उससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पिकअप होते हैं, और आपके सामने एक तीनों साइकिल रहेगी तो आप समझ जाओगे कि क्या चीज़ें। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक हिंट देना चाहूँगा कि आपको डिफरेंशिएशन वाला वीडियो देखने से पहले आपको जो समानता और असमानता मैं बताऊँगा, अगर आप उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो इससे पहले आप तीनों का वीडियो छोटा छोटा ये देख लीजिए, ताकि आपके लिए कभी भी फोटोसिंथेसिस एक आफत बन के ना आए। थैंक यू दोस्तों, आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो मुझे फॉलो करिए और मुझे वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों जो भी आप बताना चाहते हो मुझे कमेंट बॉक्स कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, और थैंक यू।